When I first visited Ladakh, I left my heart there. When I visited Zanskar, I left my soul there. And whatever little I had left in me, I left it in Sikkim. वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। टाइटल देख के आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सिक्किम, आई एम ऑन माई वे टू गैंगटॉक। कुछ एक घंटे और लगेंगे पहुँचने के लिए। आई हैव माई चाय एंड सम वेज मोमो। I am in Sikkim, the 22nd state of India, and Sikkim used to be an individual monarchy, independent monarchy until 1975. It became part of India in 1975. Siliguri se Gangtok aane mein mujhe 4 hours lag gaye. Abhi main apne bhai ke shaadi se wapas aayi hu. You can see the mehndi on my hand. Pichle 1.5 years mein na maine bahut sare offbeat places I have covered. I have traveled to very remote places. You guys have seen the videos on my channel. तो अभी से कुछ दिन पहले ना मुझे एक कमेंट भी आई थी मेरे चैनल पे कि ऑफबीट प्लेसेस आर गुड बट वी वांट टू सी सम टूरिस्टी प्लेसेस आल्सो, जहाँ पे पहुँचना बहुत आसान हो। तो आई डिसाइडेड कि ये सिक्किम की पूरी सीरीज़ में बहुत ही टूरिस्टी वे में कंप्लीट करूँगी। दिस टाइम आई एम गोना बी कवरिंग टूरिस्टी प्लेसेज इन सिक्किम एंड ऑल्सो अ फ्यू ऑफ द ऑफबीट प्लेसेज। सिक्किम का ये पूरा का पूरा ट्रिप आई एम गोइंग टू डू विथ अ ट्रैवल एजेंसी कॉल eTripto.in। द रीज़न आई हायर अ ट्रैवल एजेंसी दिस टाइम and not doing like a solo individual trip, because यहाँ पे सिक्किम में अगेन परमिट्स वगैरह का बहुत पंगा है एंड नाथुला वगैरह जाने के लिए यू नीड परमिट्स एंड ऑल। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी के साथ ये कवर कर लेती हूँ, लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आज मेरा बस फ्यू आवर्स का स्टे है गैंगटॉक में और टुमारो मॉर्निंग आई एम मूविंग अहेड। फिलहाल चलते हैं MG रोड। लोग आते हैं मोस्टली शॉपिंग करने के लिए और स्ट्रीट फूड खाने के लिए। देयर आर सो मेनी कैफेज हियर, सो आई विल गो एंड ट्राई अ कपल ऑफ द कैफेज। दिस मार्केट इज लाइक 1 किलोमीटर की स्ट्रेच। यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। मुझे लगता है ना, किसी भी सिटी को अगर बेस्ट तरीके से आपको जानना है या कोई भी आप एक नई जगह पे जाते हो ना, द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर दैट प्लेस इज टू हिट द क्राउडेड स्पॉट ऑफ दैट प्लेस। हैविंग सेड दैट, गैंगटॉक में MG रोड इज़ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, और यहाँ आने के बाद यू विल सी द थोड़ा थोड़ा लाइक हिंट ऑफ द लोकल्स लाइफ एंड ऑल्सो टूरिस्ट लाइफ। मैं फ़िलहाल तलाश में हूँ एक कैफ़े के, और ये जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। एंड लेट मी टेल यू, पुलिस हियर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द मास्क। मेरे को एक्चुअली मास्क में बोलने में परेशानी हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और आवाज़ आएगी नहीं मास्क के साथ, तो मैंने अपना मास्क हटाया था। बट अब मैं चलती हूँ एक कैफ़े ढूंढने के लिए। हियर आई कैन सी सम बेकर्स कैफ़े।
ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक. देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. तो आज मैं गैंगटॉक से आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ईस्ट सिक्किम. लाचुंग जाऊंगी एंड जीरो पॉइंट, नाथुला पास एंड ऑल दिस प्लेसेस. एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी वो ये कि अगर आपको सिक्किम में ये सारे प्लेसेस पे जाना है तो यू नीड टू हैव द परमिट विथ यू. और परमिट बनाने में ऑब्वियसली आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे आल्सो कि इफ़ यू हायर अ ट्रैवल एजेंसी और एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर के थ्रू आप ये फुल ट्रिप करते हैं तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. तो ई ट्रिप टू डॉट इन के साथ आई एम टूरिंग अक्रॉस सिक्किम विद देम. तो जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी, यहाँ पे परमिट बनाने के लिए यू नीड टू हैव ईदर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट. आधार कार्ड के बेसिस पे आपका परमिट नहीं बनता है. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी है एंड आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है. मैं अब से पहले दो बार अरुणाचल जा चुकी हूँ. आई हैव बीन टू मेघालय एंड अदर पार्ट्स ऑल्सो जहाँ भी ऐसे परमिट का काम हुआ है. इनफैक्ट इन लद्दाख ऑल्सो आधार कार्ड के बेसिस पे परमिट बन गई थी. यहाँ पे आधार कार्ड डज नॉट अलाउ यू टू ट्रैवल टू ऑल दिस प्लेसेस. सो यू नीड टू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट. तो कीप दैट इन माइंड. बाकी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब एंड यहाँ से आई एम गोइंग टू लाचेन. रियली 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 एक्साइटेड टू गो टू लाचेन एंड लाचुंग. बहुत टाइम से वेट किया है. तो लेट्स गेट इन टू द कैब एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. मेरे साथ विनय भैया हैं. हम दोनों अभी कितने 4 डेज साथ में, 5 डेज. मैं इनको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हूँ फोटोज़ के लिए. फेमस व्यू पॉइंट गैंगटॉक से थोड़ा आगे है. यहाँ पे यूजुअली लोग आते हैं टेरेस से व्यू देखने के लिए. इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स. दिस कैफे आई लव्ड इट. कॉफी हियर इट्स सोल्ड फॉर 50 रुपीज. गैंगटॉक से लाचेन की जो डिस्टेंस है दस अबाउट 130 किलोमीटर्स, 128 समथिंग. अगर आप बिना रुकते रुकाते जाते हो तो 6 आवर्स की जर्नी है. लेकिन बिना रुकते रुकाते क्यों जाओगे, आप तो यहाँ साइट सीइंग के लिए आए हो. तो आई एम ऑल्सो डूइंग द साइट सीइंग अभी. सो आई एम हेडिंग टू दिस फर्स्ट वाटरफॉल्स कॉल नागा वाटरफॉल है ना दाई. नागा वाटरफॉल. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप इज दैट विनय दाई इज अ नेपाली एंड You guys know that my love for Nepal, though I'm sure we will bond pretty well here. One more thing, Sikkim mein there are people from 3 ethnic groups, Lepcha, Bhutia and Nepalese people. So history bahut zyada interesting hai Sikkim ki. Main abhi batane baithungi to shayad ye vlog ek historical vlog ban jayega rather than a touristy vlog. So I would request you guys ki aap khud se padho, because it's genuinely very interesting, the history of Sikkim. मैं शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत. फिलहाल आई एम स्टक इन अ माउंटेन का ट्रैफिक. आगे एक वाटरफॉल है, इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई वाटरफॉल. बेसिकली बहुत छोटा सा रास्ता है वहाँ का, तो वहाँ अगर एक भी व्हीकल रुक जाती है तो दोनों साइड से ट्रैफिक विल बी स्टक. वही हुआ है अभी. Across this place, it's called Dikchu Dam. This wasn't in the itinerary. Basically, I'm cross kar rahe the, and I asked the cab driver to stop here because it looks so beautiful. Look at the color of the water. अच्छा यहाँ पे parking नहीं कर सकते हैं, तो मेरे को थोड़ा rush है.
stopped here for lunch. This place is called Zero Point. ये वो Zero Point नहीं है जो कि Tibet border से पास है. Basically यहाँ पे सिक्किम में बहुत सारे Zero Point हैं. मुझे ये logic लगता है कि मैं East सिक्किम से निकल के भी North सिक्किम आई हूँ, तो मे बी शायद जहाँ पे East सिक्किम ख़त्म होता होगा उस जगह को Zero Point बोलते होंगे. ये बिल्कुल मेरा logic है, तो don't get angry if I'm wrong. Just मैं अपने analytical brain को थोड़ा चला रही हूँ. Let me go and have lunch and post that. I'm gonna pick some snacks और उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलते हैं. So lunch is sorted. It was a very tasty meal. Anyway, ये जो जगह है Zero Point, यहाँ पे I can see a lot of shops here. So it's better I buy some snacks रास्ते के लिए. एक चीज़ मैं हमेशा करती हूँ, जब भी आई गो फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप और रोड जर्नी, आई मेक श्योर दैट आई स्टॉक अ लॉट ऑफ स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, सम एनर्जी बार्स, बिकॉज यू नेवर नो. कभी आप लैंडस्लाइड में फंस सकते हो, कभी आप स्नो में फंस सकते हो, कभी वैसे ही फंस सकते हो. तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव सम एमरजेंसी फूड. एक पैकेट ये भी ले लो. सो ऑल सॉर्टेड, बॉट अ लॉट ऑफ स्नैक्स. अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं लाचू. प्लेस इज मंगन पेट्रोल पम्प. इनफैक्ट ये इस रास्ते में लास्ट पेट्रोल पम्प है, तो हम अपनी गाड़ी को फुल कर रहे हैं. इसके बाद आगे आपको पेट्रोल पम्प बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो लौटते हुए अगेन वी विल हैव टू रीफ्यूल आवर कार. मंगन जो है नॉर्थ सिक्किम की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी जगह बोल सकते हो आप, एक टाउन या सिटी बोल सकते हो. सो गैंगटॉक इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन सिक्किम, बट गैंगटॉक कम्स इन ईस्ट सिक्किम. नाउ दैट वी आर इन नॉर्थ सिक्किम, सो मंगन इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ सिक्किम. आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ इट्स अ सिटी और अ टाउन. थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पर, फिर मैं बताती हूँ आपको. सो आई हैव रीच्ड मंगन. ये मंगन की मार्केट है. आई थिंक आई विल कंसीडर इट एज अ टाउन, नॉट अ सिटी. तो ये नॉर्थ सिक्किम की सबसे बड़ी जगह है, द बिगेस्ट मार्केट. यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है. यहाँ पे ATM है, तो यू कैन डेफिनेटली विदड्रॉ योर कैश, बिकॉज इन केस यू फॉरगेट आगे शायद नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. यू नो व्हेन आई वाज लिविंग इन नेपाल, देयर वाज वन चिली आई यूज्ड टू लव, ये आई यूज टू कॉल इट अकबर ए खुरसानी इन नेपाल. यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डल्ले खुरसानी ना. तो यहाँ पे भी इसको डल्ले खुरसानी या अकबर ए खुरसानी बोलते हैं. ये बहुत 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 तीखा होता है. आई रिमेम्बर जब मैं काठमांडू में पहली बार ये मिर्ची मैंने देखी थी अपने फ्रेंड के घर पे, शी टोल्ड मी कि आप इसको खा नहीं सकते हो, एक बाइट लेके बहुत तीखा लगता है. बट आई रिमेम्बर मैं 2 से 3 मिर्ची खाती थी. वाई आई एम शेयरिंग दिस, ये बताने के लिए कि मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ, दैट्स वाई मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है. एनी वे, चीयर्स टू डल्ले खुरसानी. Point is called Naga waterfall. This waterfall is the longest and the cleanest waterfall in Sikkim on Gangtok Chungtang road. Reach the checkpost. Here is the checkpost. The place is called Thong village. यहाँ पे लाचेन लाचुंग जाने के लिए आपका permit यहाँ पे check होता है. Thank you.
सो अभी आई एम स्टैंडिंग ऑन चुंगतांग ब्रिज. चुंगतांग जो है एक टाउन है बेसिकली. यहाँ पे लाचेन और लाचुंग का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बोलते हैं इसको. सो दिस साइड इज लाचुंग रिवर एंड दिस साइड उधर से लाचेन से पानी आ रहा है एंड दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्फ्लुएंस. तो तीस्ता रिवर फॉर्म हो रही है. दिस इज़ तीस्ता रिवर चुंगतांग में. दिस इज़ चुंगतांग डैम. दिस इज़ वॉट इट इज़ फेमस फॉर. दैट साइड इज़ द डैम. एक्चुअली प्लेस बहुत क्राउडेड है ऊपर जहाँ से डैम दिखाई देता है. तो मैं ढंग से शॉट नहीं ले पाई. इनफैक्ट पॉसिबल भी नहीं है कि मैं प्रॉपर वो कॉन्फ्लुएंस वाला पॉइंट आपको दिखा पाऊँ कैमरे पे. नॉलेज के लिए समझ लो दिस इज लाचुंग रिवर और उस साइड से लाचेन इज कमिंग एंड देन कॉन्फ्लुएंस इज हैपनिंग एंड द कॉन्फ्लुएंस इज फॉर्मिंग तीस्ता रिवर जो कि थ्रू आउट सिक्किम बहती है. तीस्ता रिवर जो है 350 किलोमीटर समथिंग इसका पोर्शन जो है वो इंडिया में है. बाकी बांग्लादेश में पड़ता है. शाम हो गई है तो आई डोंट थिंक सो आगे मुझे लाइट मिलेगी शूट करने के लिए कुछ भी. तो आई सी यू गाइज इन लाचेन. रास्ते के थोड़े बहुत शॉट में लेते हुए चलूँगी आगे. Reached Lachin. This is my room, hotel room. Basic से थोड़ा अच्छा है. In fact, बहुत अच्छा है. In fact, remote जगहों पे ऐसे ऐसे hotels मिल जाना itself is like a big thing. Lachin जो है एक छोटा सा town है. यहाँ की population is around 1000. और कल हम यहाँ से गुरु दोंगमर लेक जाएंगे. मेरे सिक्किम के ट्रिप की जो सबसे सबसे फेवरेट जगह है जिसके लिए मैं सिक्किम आना चाहती थी वो गुरु दोंगमर लेक है. तो टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर दैट. तो कल सुबह बहुत ही जल्दी मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. और क्योंकि लाचेन में पावर का कोई भरोसा नहीं है. नेटवर्क है फ़ोन में. यू कैन नॉट यूज़ 4G बट नेटवर्क है फ़ोन में. सिग्नल्स हैं तो यू कैन मेक कॉल्स एंड ऑल दैट सेव्स योर लाइफ. इन फैक्ट इट डज इन माई केस. So far the trip has been amazing. So a huge shout out to eTrip2.in for arranging such a smooth trip for me. Aaj day 1 hi tha. In fact, kal se agar count karu to day 2 bol sakti hu. But overall 1 or 2 days have been amazing. Maza aa raha hai bahut zyada. Bas exhausted hu kyunki road journey hai, you know, and thoda altitude bhi gain kiya hai. So I'm feeling a little uncomfortable. So I'm gonna take a rest. I hope you guys enjoyed watching this vlog. Also let me know in the comment which is your favorite part from this vlog. So like, comment, share and subscribe. I'm going to see you guys in the next vlog which is again going to be from Sikkim. Chhota sa room tour de deti hu. Yahan ek mirror hai jo ki mujhe bahut helpful rahega and tiny window. Here is my one bag. There is my another bag. Another and wahan pe kuch snacks hai jo maine kharide the. अब मैं वो स्नैक्स खाऊंगी, चाय पीऊंगी और आप लोगों को गुड नाइट बोलूंगी.